हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी क्यों आए। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आप दोनों के बीच में आखिर थर्ड पार्टी क्यों आई। ठीक है, तो थर्ड पार्टी क्यों आई ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। जो लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है वो लोग के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये रीडिंग। ठीक है, चलिए रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए आप सब। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, वहां पे डिटेल्स आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्क्रीन पे नंबर है आपका। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, जो भी ब्रेसलेट चाहिए, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा ब्रेसलेट लेना है, आप अपनी वहां पे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, शेयर करना है ना, तो प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ब्रेसलेट एडवाइस दिया जाएगा कि कौन सा लेना है, ब्रेसलेट लेना है या जेम स्टोन लेना है। ठीक है, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। जेम स्टोन भी मैं देती हूँ और ब्रेसलेट भी देती हूँ। ये 100% रियल स्टोन्स होते हैं, फेक नहीं देती मैं। ठीक है, फेक वाला चीज नहीं है, ओरिजिनल आपको मिलेगा जो भी मिलेगा। ओके, तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि दी सेवन चक्र ब्रेसलेट है क्या। ब्रेसलेट है और सेवन चक्र ब्रेसलेट हम क्यों पहने। तो सेवन चक्र ब्रेसलेट आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए पहनना है। हर किसी को पहनना चाहिए सेवन चक्र ब्रेसलेट। ठीक है, तो आप लोग बिना पूछे सेवन चक्र ऑर्डर करो। ठीक, और उसके बाद अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसके बाद आपको बताया जाएगा। सेवन चक्र तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सेवन चक्र ब्रेसलेट लो। ठीक, और उसके अनुसार से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आके थर्ड पार्टी क्यों आई है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी क्यों आई है हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशन कैसा है, पास्ट कैसा था, जो भी चीजें मुझे नजर आएंगी वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। ओके, फोकस कीजिएगा आप बस। ओके, फोकस कीजिएगा, बस फोकस रहना चाहिए आपको। चलिए प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके लिए कार्ड निकाला है, आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकाला है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्टी क्यों आई है। सबसे पहले देख लेते हैं ये कार्ड्स। द हर्मिट का कार्ड है, टू ऑफ वैंड्स, ओके, द एम्परर, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले यहां पे जो मुझे दिख रहा है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, मुझे दिखता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हो, यानी कि एक दूसरे के ऑफिस में एक दूसरे के साथ काम करते होगे, या बिजनेस पार्टनर होगे, या आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड होगा। आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके बॉस हो, या फिर आप खुद उनके बॉस हो सकते हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या आप खुद हो सकते हो। कोई एक बहुत मैच्योर है, बहुत ज्यादा मैच्योर, एज गैप भी है आप दोनों के बीच में। पैसे से रिलेटेड यहाँ पे बातें होती हैं आप लोगों के बीच में, जो है ना यहाँ पे बातें हुई थी, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड बातें हुई थी। चाहे कोई आपकी बिजनेस डील रही हो या फिर आपका जो रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ,
कुछ ऐसा रहा हो जहाँ पे पैसे का लेन देन होता हो, जैसे कि आप हेल्प करते हो, है ना, आपके पार्टनर हेल्प करते हो, तो यहाँ पे पैसे का कुछ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपकी एनर्जी के अनुसार से, अभी जो है अभी की करंट सिचुएशन में देखूं तो ऐसा है कि अभी आप इंतजार कर रहे हो। मुझे लगता है कुछ लोग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की भी कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपको जो है ना यहाँ से मूव ऑन करना भी पड़े तो आपको टाइम ना लगे ज़्यादा। आप यही सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप यही सोचते हुए दिख रहे हो। कहीं हद तक आप देखना चाहते हो कि आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आते भी हैं कि नहीं आते हैं। आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट किया है, आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को संभालना सीख लिया है। लॉयल हो आप, और आप समझते थे कि मेरा पार्टनर भी लॉयल ही है। आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इनके लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आएगा, बट आपके ऑफिस से ही कोई तीसरा पर्सन इनसे कनेक्ट हो गया या हो गई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिलेशन खराब हो गया, या फिर इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है जो इनके साथ बाद में रिलेशनशिप में आ गया और आपको पता भी नहीं चला। ऐसा मुझे दिख रहा है आपका सिचुएशन, ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप बर्दाश्त कर रहे हो, अपने को कंट्रोल किए हुए हो आप, और आप बस इंतजार कर रहे हो कि ठीक है जो भी है ना, समय बदलता है, सबका समय बदलता है, मेरा भी समय बदलेगा, मैं बस इंतजार करूंगा या करूंगी, उसे आना तो मेरे पास ही है। आपको लगता है कि ये पर्सन जो है आपका, ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास वापस, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी रीडिंग के अनुसार, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में क्यों आई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि फ्यूचर में ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे या थर्ड पार्टी के पास ही रह जाएंगे, ठीक है। चलिए थर्ड पार्टी क्यों आई है इन दोनों के बीच में, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, थर्ड पार्टी क्यों आई, ज्यादा कार्ड्स हैं ये, मैं नहीं ले रही हूं। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड द हैंगमैन, फाइव ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट की एनर्जी, नाइन ऑफ वैंड्स, द मून, जस्टिस, वेरी नाइस। मुझे समझ में आ गया है कि ये पर्सन क्यों आया है। एट ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, 100% एकदम पूरी तरीके से मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ, क्या है क्या नहीं है सब कुछ क्लियर मैं करूंगी आज। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आई, ठीक है। थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट की, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, आप दोनों बिना किसी बात पे भी लड़ते थे, बहुत ज़्यादा बहस होनी स्टार्ट हो गई, आप दुखी रहने लगे, आप डरने लगे, आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे, आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है इसके माइंड पे कुछ और सवार था, अग्रेसिव नेचर है, इसकी वजह से यहाँ पे ये दिख रहा है। थर्ड पार्टी जब एंटर की है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपको हल्का सा फील हुआ बट उतना ज्यादा श्योर नहीं थे आप,
आपके पार्टनर जो है ना आपसे मिलना कम कर दिया, इन्होंने बात करना कम कर दिया, धीरे 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 करके बहुत सारी बातें कम हो गई आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में बातें कम हुई और यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है ये बढ़ता गया, थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कनेक्शन है वो बढ़ता गया। ये लोग दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, ये लोग दोनों एक दूसरे के बहुत 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 करीब आने लगे। आपके पार्टनर उनसे बातें करने लगे थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी के साथ अपना जो इनको फील होने लगा कि यार ये इसका मेरे साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है। आप इस हालत में थे, ठीक है, आप इस हालत में थे 8 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। आपने अपने पार्टनर को ब्लेम किया कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरे सपने बर्बाद कर दिए। आपने इस पर्सन को ब्लेम करा, आप तकलीफ में थे, रो रहे थे, दर्द में थे, क्योंकि आपको आपके पार्टनर ने ही धोखा दे दिया, आपको आपके पार्टनर ने जानबूझ करके धोखा दे दिया। ठीक, आपके पार्टनर आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। जिस टाइम आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आया ना, ये पर्सन बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। यहाँ पे देखो, आप दर्द में थे, तकलीफ में थे यहाँ पे, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है और आगे होगा क्या। एकदम से टूट गए थे आप, जो पुराने दिन थे ना आपके काफी भयानक रहे, जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ थर्ड पार्टी की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हुई, काफी ज्यादा पेन हुआ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए आप। आपको कोई आइडिया नहीं था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा नहीं आएगा, आप रो रहे हो, अभी भी रो रहे हो। आपने बस एक ही डिमांड करी क्या कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में आ जाए, या आपको जिस तरीके से इस पर्सन ने तड़पाया है, आपको जिस तरीके से इस पर्सन ने रुलाया है, वो भी रोए ताकि उसको भी एहसास हो। थर्ड पार्टी क्यों आई है? आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा के, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के, आपके पार्टनर को अपने पास लेने के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत सोचा पहले थर्ड पार्टी के पास जाने में, सोचा, कई दिनों तक सोचा है इस पर्सन ने, तब जाके ये स्टक एनर्जी से बाहर निकले हैं और तब इन्होंने ऑफर किया है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी ने भी ऑफर किया, इशारे विशारों में बातें होती थी, यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी ने इनको ऑफर किया, इन्होंने थर्ड पार्टी को ऑफर किया, इन दोनों का रिलेशन तगड़ा चलने लगा। और यहाँ पे वही है, आपके पार्टनर को लगा, अब लगा कि हाँ सब कुछ मिल गया है मुझे, सब कुछ हो गया है मेरा। अब आप इनकी लाइफ में हो नहीं हो, इनको कोई दुख नहीं, ये अपने जिंदगी मजे में काट रहे हैं, सब कुछ है इनके पास, सब कुछ। आप कहाँ हो, आप जी रहे हो या नहीं, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन ने सब कुछ देखना बंद कर दिया। आपको कभी भी मिलते थे ये पर्सन, आपको इस तरीके से इग्नोर करते थे जैसे कि आप कभी, मतलब कि आपको कभी ये जानते ही नहीं थे, इस तरीके से इग्नोर करना स्टार्ट किया इस पर्सन ने। ये पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं, कहीं हद तक थर्ड पार्टी का भी हाथ रहा है और इनका भी हाथ रहा है। इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है, ना ही किया गया कि हाँ तुम मेरे कब्जे में आ जाओ, तुम्हारे पास ये कर दूंगी वो कर दूंगी, या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। बात करते हैं, मेरे मन में एक बात खल रही है कि थर्ड पार्टी जो है क्या आपके पार्टनर से प्यार करती है, या आपके जो पार्टनर है ये थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं जिस तरीके से आपको करते थे, है ना? आपके भी मन में ख्याल आ रहा होगा, मैं चेक करूंगी, मैं चेक करूंगी इसको। चलो ठीक है, इस कार्ड से देखते हैं, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज मुझे गाइड करें।
जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं जो थर्ड पार्टी है इनके पार्टनर से प्यार करती है, पहले मैं उन्हीं का देखूंगी। नहीं करती है, प्यार नहीं करती है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है प्यार नहीं करती है आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर करते हैं कि नहीं थर्ड पार्टी से प्यार? ये करते हैं प्यार, इनके दिल में फीलिंग्स है थर्ड पार्टी को लेकर, बट थर्ड पार्टी इनसे प्यार नहीं करती है। यानी कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है इनके पार्टनर के लिए? अपने जाल में फंसाना ताकि इनकी ग्रोथ हो, थर्ड पार्टी की ग्रोथ हो। यानी कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बस फंसाया है ताकि इनकी ग्रोथ, थर्ड पार्टी की ग्रोथ आपके पार्टनर से रिलेट करती है। यानी कि थर्ड पार्टी जब भी आपके पार्टनर के टच में आई तब से इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, पॉजिटिव चेंजेस, जिससे इनकी ज़िंदगी में रुपया पैसा बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, हर एक चीज़। और इस पर्सन ने जो है ना अपनी खूबसूरती, अपनी जो अदाएँ हैं वो दिखा करके आपके पार्टनर का मन अपने कब्जे में कर लिया। मतलब कि एक जो होता है ना कि हाँ माइंड को कंट्रोल करना, ये पर्सन तो पूरा लट्टू है इसके ऊपर, प्यार करते हैं ये पर्सन थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी से ये पर्सन प्यार करते हैं आपके। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये बस जब तक पैसा है तब तक तू है, जब तक पैसा है तब तक तू है, पैसा नहीं है तू नहीं है, वो वाला ये हाल है थर्ड पार्टी का, ठीक। ये है इसकी इंटेंशन, मजे लो और मजे करो, पार्टी शार्टी इंजॉय करो, ये दिख रहा है मुझे थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। अब आपके पार्टनर का क्या है, आपके पार्टनर सच जानते हैं या नहीं जानते हैं थर्ड पार्टी का, ये देखते हैं। एक एक करके सवाल आ रहे, ये पर्सन प्यार में अंधे हैं थर्ड पार्टी के, क्लियर दिख रहा है। थर्ड पार्टी के प्यार में ये पर्सन अंधे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है और थर्ड पार्टी करना क्या चाहती है। एकदम इनके अग्रेसिव नेचर का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाती है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी जो है बहुत अच्छे तरीके से आपके पार्टनर का यूज़ करती है, आपके पार्टनर के माइंड का बहुत यूज़ करती है, क्योंकि ये पर्सन पूरे दिल से इस थर्ड पार्टी को चाहते हैं, ठीक है। पूरे दिल से इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए बात करते हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ओके, थर्ड पार्टी से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इनके पार्टनर? टू ऑफ पेंटिकल्स, निकलना मुश्किल होगा इनके लिए। ये पर्सन के पास आप ऑफर जरूर करोगे कि हाँ अभी भी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ या वेट कर रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम आ सकती हो या आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे इश्यूज भी बन रहे हैं, जगलिंग चल रही है यहाँ पे। यानी कि आपके पार्टनर की जगलिंग चल रही है, आपके पार्टनर यहाँ पे श्योर नहीं होंगे कि इनको जो है ना आपके पास आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। ये पर्सन थर्ड पार्टी और आपके बीच में फिर से कंफ्यूजन में रहेंगे। नाइन ऑफ कप्स, ये मैनिफेस्ट करेंगे थर्ड पार्टी को, कुछ दिनों तक मैनिफेस्ट करेंगे कि वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि इनको लगता है कि वही मेरा ट्रू लव है, उसी के साथ मेरा फ्यूचर है, ठीक है। इनको लगेगा और इसीलिए जो है ना ये बड़े तकलीफ में जाएंगे जब थर्ड पार्टी इनको धोखा देगी ना, बड़े तकलीफ में जाएंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन ने सोच रखा है प्रपोजल देकर के शादी करने का थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन अपना रिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि ये पर्सन चाहते हैं कि उसके साथ शादी हो इनकी और ये प्रपोजल दे और फिर दोनों की है ना आगे का
प्रोसेस जो भी है वो हो। फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी को इनके पार्टनर छोड़ेंगे कि नहीं, इंतजार करना पड़ेगा आपको, इंतजार करना पड़ेगा आपको, तब ये पर्सन छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी इनसे इनमें जो है ना इनके पास सिर्फ इनके पैसे के लिए है, बाकी सब निकल जाएगा। इंतजार करना पड़ेगा आपको, तब आपकी बातें होंगी आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएंगे ठीक है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अभी इनको सही डायरेक्शन पता नहीं है, इनको सही डायरेक्शन पता लगने में अभी समय लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, 3 साल भी लग सकते हैं समय ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने सोचा है थर्ड पार्टी के साथ ही आगे जाने का। एस ऑफ वैंड्स, एकदम से आपके साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट वही है कि इंतजार ज्यादा है, इंतजार की घड़ियां ज्यादा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस मिलेगा आपको ठीक, यहाँ पे जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन इंतजार इतना ज्यादा दिन कर पाओगे, इतने साल कर पाओगे तो देख लो, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना उस थर्ड पार्टी के लिए ज्यादा इनके अंदर दिल में है, और ज्यादा क्या मतलब कहूँ तो आपसे बात होगी, बट वही है कि थर्ड पार्टी जब तक इनको धोखा नहीं देगी, जब तक इनको ठुकराएगी नहीं, तब तक इस पर्सन की अकल ठिकाने नहीं आएगी, जब तक अपनी सच्चाई नहीं बताएगी तब तक ठीक है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी कि नहीं, ये हमारा रीडिंग का रहेगा आगे का ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना ठीक है। चलिए फिर रीडिंग को करते हैं खत्म। ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है, आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं ठीक है। मिलते हैं फिर अगले रीडिंग में, बाय बाय।